लंबी, लॉन्ग और छोटी शॉर्ट चीजों से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आज आप इस पाठ में दो चीजों में से लंबी चीज और छोटी चीज को पहचानना सीखेंगे। आज रविवार का दिन है। पिंकी और उसकी माँ बगीचे में घूमने गए हैं। माँ, उस पौधे को देखो, उसके सारे पत्ते अलग हैं। हाँ पिंकी, चलो पास जाकर देखते हैं। माँ, इन दोनों पत्तों को देखो, दोनों अलग हैं। हाँ पिंकी, इन दोनों पत्तों की लंबाई अलग है। इन दोनों पत्तों में से ये वाला पत्ता लंबा, लॉन्ग है, और ये वाला पत्ता छोटा, शॉर्ट है। हाँ माँ, इसका मतलब है इन दोनों में से ये पत्ता लंबा है और ये वाला पत्ता छोटा है। हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल सही हो। तो माँ, उस मिर्ची के पौधे को देखो, इसमें भी दोनों मिर्चियों की लंबाई अलग है। इन दोनों मिर्चियों में से ये वाली मिर्ची लंबी है और ये वाली मिर्ची छोटी है ना? हाँ पिंकी, तुमने सही समझा। चलो अब अपने आसपास देखो और मुझे ऐसी ही एक लंबी चीज और एक छोटी चीज का उदाहरण बताओ। माँ, इन दोनों लकड़ियों को तो देखो, इनमें से ये लकड़ी लंबी है और ये लकड़ी छोटी है ना? हाँ पिंकी, बहुत अच्छे। चलो अब घर चलते हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग भी पिंकी की तरह दो चीजों में लंबी और छोटी चीज को पहचान सकते हो? चलो देखें। ये हैं दो पेंसिल। अब बताओ, इन दोनों में से कौन सी पेंसिल लंबी है और कौन सी पेंसिल छोटी है? जी हाँ, इन दोनों में से ये वाली पेंसिल लंबी है और ये वाली पेंसिल छोटी है। आपका भी यही उत्तर था ना? बढ़िया। तो बच्चों, मजा आया ना चीजों की लंबाई की तुलना करने में? अब आप लोग भी अपने आसपास की चीजों की लंबाई की तुलना करना और बताना कि कौन सी चीज लंबी है और कौन सी चीज छोटी है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने दो चीजों में से लंबी और छोटी चीज को पहचानना सीखा। अगली वीडियो में हम लंबी और छोटी चीजों को पहचानने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।